एवरीवन, आज हम आपको लेसन 9 हिंदी की बुक का लेसन 9 चांद का कुर्ता का बुक वर्क समझाएंगे। ठीक है, आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो तो अगर तो ला दो कोई कुर्ता ही बाड़े का। इस पंक्तियों में चांद अपनी माँ से कहता है कि माँ अब यह मौसम सर्दी का है, अगर आपने पास कोई झिंगोला ना हो तो कुर्ता ही ला कर दे दो मुझे किराए का। इन पंक्तियों में चांद अपनी माँ से कहता है कि माँ यह मौसम सर्दी का है, अगर आपके पास कोई ढीला ढाला कपड़ा नहीं है तो मुझे किराए का ये कुर्ता ला के दे दो कि मैं जिससे मैं अपनी ठंड को दूर भगा सकूँ। जाड़े की तो बात ठीक, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ चांद से कहती है कि सर्दी की परेशानी तो मैं तेरी समझती हूँ, पर मैं क्या करूँ, क्योंकि रोज़ देखती हूँ कि तेरा जो आकार है, तेरा नाप है, वो बदल जाता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज़ लिया आवे, सीधू एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। माँ चांद से कहती है कि मैं तो डरती हूँ, अब तू ही बता दे किस दिन तेरा नाप लिया जाए, मैं किस दिन तेरा नाप लूँ जिसमें मैं तेरे लिए एक ऐसा झिंगोला सिलवा दूँ जिसे तू पहन सके, क्योंकि तेरा आकार तो डेली बदलता है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा। नेक्स्ट पेज निम्नलिखित के लिए एक एक शब्द लिखने, जस्ट एक शब्द लिखने। चंद्र का उदय चंद्रोदय, सूर्य का उदय सूर्योदय, सूर्य का अस्त होना सूर्य अस्त। तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखे, चांद का चंद्रमा शशि हिमकर, रात का रात्रि रजनी निशा, माँ का मैया माता जननी, भगवान का परमेश्वर प्रभु ईश्वर। इसमें चंद्रबिंदु वाले शब्द लिखने हैं, जैसे आँख पाँच कांच बांस हंस गांव। विलोम शब्द लिखे, छोटा बड़ा सर्दी गर्मी, कुशल अकुशल दिन रात, बढ़ना घटना मोटा पतला। आगे देखिए इन अवसरों पर चांद कैसा दिखता है, पूर्णिमा पर चांद पूरा दिखाई देता है, अमावस्या पर चांद दिखाई नहीं देता। ओके।